फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश सैयद और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल के रेडे कैंडी स्क्रीन में। फ्रेंड्स, अगर आपने अगर न्यू लैपटॉप लिए हैं, लेने वाले एडाप्टर 145 या कोई सा भी लैपटॉप हो, जिसमें क्या है आजकल नए जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें आपको ये टच पैड दिखाई दे रहे हैं, उस पर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के जो बटन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो आप ऐसे में बहुत घबरा जाते होंगे कि यार लेफ़्ट क्लिक नहीं है, राइट क्लिक नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने भी जब ये लैपटॉप ख़रीदा था, इसको बाय किया था, तब मेरे को ये नया एक माउस इसको बाय करना पड़ा था, क्योंकि मेरे को जो इसके बटन हैं वो नहीं मिल रहे थे फ्रेंड्स। बटन नहीं मिलने के कारण फ्रेंड्स मैंने भी एक नया माउस बाय किया था फ्रेंड्स, और फिर इससे काम करने लगा। लेकिन एक दिन मेरे से क्या हुआ, यहाँ पर गलती से ये इसको दब गया ऐसे, तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे तो बटन है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे, दबाओगे यहाँ पर कोने पे, ये देखिए दब रहा है, ये राइट क्लिक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं फिर से आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ऑप्शन खुल जाता है फ्रेंड्स। ये तो हो गया लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे भी बटन है फ्रेंड्स, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, दोनों ही आपको बटन यहाँ पर दिखाई दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टच पैड है उस पर शो नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें बटन क्यों नहीं दिखे, या अपने ऐसे कैसे यूज करेंगे आप इसको। जिसको यूज करने के लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसको लेना एडाप्टर 145 ये लैपटॉप है, इसको मैंने जब परचेज किया था तो मेरे को भी ऐसा ही लगा, और मैंने ये माउस परचेज किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।